नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए तंदूरी पोटैटो पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। ये हमारे सूखे मसाले हैं और ये हमने 2 बड़े चम्मच छना हुआ दही रखा है और उसमें हमने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मिला दिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले अपने मिलाएंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर है और 1 चम्मच के करीबन हमने इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार ही नमक डालें क्योंकि सॉसेज में नमक रहते हैं, इसलिए थोड़ा नमक तेज भी हो सकता है, इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें करें। 1 चम्मच के करीबन इसमें हमने नींबू का रस मिला दिया है और इसमें फिर हमने 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये हमने 1.5 चम्मच के करीबन भुना हुआ बेसन इसमें डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें गरम करके 1.5 से 2 चम्मच के करीबन हमने ये सरसों का तेल डाल दिया है, इससे फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपने बेबी पोटैटोज़ जो हमने हाफ बॉईल किए थे वो डाल देंगे और शिमला मिर्च और प्याज के हमने क्यूब्स काट रखे हैं, ये देखिए, इनको भी इसी पेस्ट में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। आप चाहें तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसी पेस्ट के ऊपर कटोरी में चारकोल रखकर घी डालकर ढक दें, उससे स्मोकी फ्लेवर आएगा, या फिर आप बारबेक्यू स्टिक में उसको लगाने के बाद स्मोकी फ्लेवर देने के लिए आप उसमें कटोरी में चारकोल रखकर घी डालकर ढाँक सकते हैं। दोनों ही तरीके से अच्छा फ्लेवर आता है। इसी तरीके से सिक्वेंस में सारे क्यूब्स को हम लगा देंगे। ये देखिए हमारी स्टिक बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह और स्टिक हम तैयार कर लेंगे। मैंने स्टिक लगाने के बाद इस चारकोल में घी डालकर ढक दिया है। लगभग 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही फ्लेम में ढक दे देंगे जिससे अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब इसको हम माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए ग्रिल करने के लिए रख देंगे जिससे ये अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। बीच बीच में पलटते रहें। ये देखिए हमारा ये ग्रिल हो गया है। अब इसको ऐसे हाफ टुकड़ों में काट लेंगे। पिज़्ज़ा प्लेट पर हमने बटर ग्रीस कर दिया है और मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया। आप चाहें तो घर में भी पिज़्ज़ा बेस तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। पिज़्ज़ा सॉस पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड कर दें कि सभी कोनों में अच्छे से फैल जाए। और इसके बाद हमने तंदूरी मेयोनीज का 1 चम्मच लिया है, 1 से 1.5 चम्मच, उसको भी पिज़्ज़ा बेस के में स्प्रेड कर देंगे, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर चीज़ जो क्यूब्स में छोटी छोटी आती हैं उनको हमने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है पिज़्ज़ा बेस पर। और मैंने ग्रेटेड चीज़ भी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो एक चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको चीज़ ही पसंद है तो दोनों ही चीज़ें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमने ये पोटैटोज बनाए थे उनको इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इवनली कि सभी तरफ इन फैल जाए। इसी तरह से इन सबको अरेंज कर लें कि हर बाइट में हमको ये तंदूरी पोटैटोज और शिमला मिर्च मिले। उसके ऊपर से ग्रेटेड चीज़ हमने फिर से डाल दी है और उसके बाद हमने इसमें ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इस पिज़्ज़ा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस डाल सकते हैं अगर एक्स्ट्रा चाहिए, या बाद में आप इसको लिए। फिर इसको 10 मिनट के लिए हमने माइक्रोवेव में बेक कर दिया। ये देखिए हमारा तंदूरी पोटैटो पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। इसको और टेस्टी बनाने के लिए हमने इसमें मिंट और मेयोनीज को मिक्स करके इस पे स्प्रेड कर दिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।